कांग्रेस की गुटबाजी पर अब राव इंद्रजीत सिंह का बयान आया है। कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, जब वो खुद कांग्रेस का हिस्सा थे वो भी इसका शिकार हुए। सीएम और बीजेपी नेताओं के विरोध पर कहा कि पिछले 3-4 सालों से ऐसा हो रहा है, चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। राव इंद्रजीत सिंह का ये बयान कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर और जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी के नेताओं का चुनावी वक्त में विरोध हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस की गुटबाजी पर कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, जब वो खुद कांग्रेस में थे तो वो इसी गुटबाजी का शिकार होते रहे। इसके अलावा जो विरोध बीजेपी जेजेपी के नेताओं का हो रहा है ये पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, लेकिन चुनाव नजदीक आने पर इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। कह सकता कि क्या उनकी मजबूरी है, लेकिन हरियाणा के अंदर आप सभी जानते हैं गुटबाजी कांग्रेस के अंदर तो है ही, और जब मैं कांग्रेस के अंदर था तो मैं तो उसका शिकार भी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है थोड़ी गुटबाजी वहाँ पे कोई ये वजह हो सकती है, और शायद आपकी बात दूसरी वाली भी दुरुस्त हो सकती है कि इस वक्त माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना अच्छा बना हुआ है कि देखो किसानों का तो विरोध पिछले 3-4 साल से चल रहा है, कोई नई बात तो है नहीं, और कहाँ तक ये इनकी बात सुनी गई और विवाद ख़त्म की रागत 3 साल पहले या 2 साल पहले वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन जैसे अब चुनाव करीब आया है तो इस चीज़ को दोहरा करके शायद राजनीतिक हस्तियाँ भी इसके अंदर दखल देने लग रही हैं, केवल अकेले किसान। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। दुष्यंत चौटाला के विरोध पर उनकी मां और पार्टी विधायक नैना चौटाला ने कहा कि न तो दुष्यंत डरेगा और न ही झुकेगा। दुष्यंत चौटाला का विरोध करने वाले किसान नहीं है बल्कि वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं। दुष्यंत संघर्ष करता रहेगा और संघर्ष के जरिए ही एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। नैना चौटाला ने कहा कि अजय चौटाला के परिवार का कोई एक सदस्य किसान लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगा। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जजबा चुनाव लड़े। एक विरोध ये किसान नहीं है, कुछ पार्टी के लोग हैं दूसरी पार्टी के जो दुष्यंत का विरोध कर रहे हैं, पर मैं एक आपके माध्यम से बात कहूंगी कि दुष्यंत को पहले भी दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, तो दुष्यंत ना दबेगा ना दुष्यंत डरेगा। दुष्यंत ने संघर्ष किया, दुष्यंत संघर्ष करेगा, इसी संघर्ष के रास्ते दुष्यंत एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने आज देश भर में उपवास किया। हरियाणा में भी आप समर्थकों ने उपवास रखकर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। आपको कुरुक्षेत्र और गुहाना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर एक दिन का उपवास रखा गया, जहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गोहाना के परशुराम चौक पर भी एक दिन के लिए सांकेतिक उपवास किया गया आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और इन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। स्पष्ट संदेश है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से घबराई हुई है। चलते चुनाव के बीच के अंदर एक ऐसे फर्जी केस में जिसमें आज तक 25 पैसे नहीं मिले, सीटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कायरता का परिचय दिया है, और यही कारण है कि आज हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा। की गवाही पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना कहां का इंसाफ है? लोकतंत्र की हत्या क्या इसे नहीं कहेंगे कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने उनको चुना है और हाई मैंडेट दिया। ये नहीं है कि भाई चलो इनकी तरह बैठ के जेजेपी के साथ गठबंधन करके हमने सरकार बनाई है, 62 सीट out of 70। उस आदमी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना कहां का इंसाफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने कहा कि ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन गरीब पिछड़ों के लिए समर्पित कर दिया था। एक बार फिर से उन्होंने जनहित योजनाओं को धरातल पर लाने के संकल्प को दोहराया और साथ ही लोकसभा चुनावों में जीत का दावा भी किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह
कि मनोहर लाल जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसी योजना ना सोच सकता है ना उसको बना सकता है। अगर सोच लेता है या बना लेता है तो उसके ऊपर चल नहीं सकता, परंतु उसके ऊपर चलने का काम भी वो मनोहर लाल जी ने किया है भाइयों, और उसको 100% धरातल पर उतारने का काम या जिम्मेवारी ये मनोहर लाल जी ने मुझे दी है। मैं आज ये संकल्प लेकर के बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूं कि उन सब योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने का काम ये हम करेंगे, ये जिम्मेवारी हमें दी है। बीजेपी की तरफ से तमाम नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसी को लेकर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर तंज कसा चुटकी ली। उन्होंने कहा कि गुटबाजी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, इस बार कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। जगह जगह बीजेपी जेजेपी नेताओं के विरोध पर जेपी दलाल ने कहा कि लोगों को सबकी बातें सुननी चाहिए, फिर वोट अपनी मर्जी से दें। ऐसा है कि एक तरफा खाली ग्राउंड है, अब किसी के कैंडिडेट आए नहीं है, हमारे कैंडिडेट जो है डिक्लेयर हुए कितने दिन हो गए, अच्छा प्रचार चल रहा है, और कांग्रेस जो है अपने कैंडिडेट देने में सक्षम नहीं है। जिस तरह से जिला अध्यक्ष में उनके झगड़े होते होते 10 साल फैसला नहीं कर पाए थे, मुझे लगता है कि कैंडिडेट के भी इसी तरह से झगड़े होते रहेंगे, मिल बांट करके फिर कैंडिडेट दे पाएंगे जिनकी जमानतें जब्त होंगी। जीते हुए चुने हुए प्रतिनिधि को किसी न किसी तरह से दूसरे पार्टी के नेता कभी टोल पर बैठ जाएँ, कभी धरना दे दें, कभी गाँव में विरोध करें, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम चुनाव के वक्त में कोई भी किसी भी पार्टी का कोई नेता हो उसको अपनी बात सुने, उसका स्वागत करे, वोट अपनी मर्जी से। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक मामले में एक्शन लिया गया है। कैथल के एसडीएम कम एआरओ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पर गाज गिरी है। राज्यपाल ने एसडीएम ब्रह्म प्रकाश को सस्पेंड कर दिया। पहले ब्रह्म प्रकाश ने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया था, अब राज्यपाल ने एआरओ को सस्पेंड किया है। आप कार्यकर्ताओं ने रैली की परमिशन मांगी थी, अर्जी रद्द करने के साथ साथ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था, गालियां लिखकर जवाब दिया गया था। इलेक्शन कमीशन की साइट पर बकायदा गालियां लिखी गई थी। इससे बड़ा बवाल शुरू हुआ तो फिर इसमें ये बड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई गई। पहले एसडीएम ने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया, उसके बाद राज्यपाल एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। और इसी मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर उमेश सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि ग्रुप डी कर्मचारी ने पर्सनल पीसी से ये वेबसाइट खोली थी। ग्रुप डी कर्मचारी ने ही आपके सर्टिफिकेट पर गालियां लिखी थी। मामले में 2 कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं ये बताया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि एसडीएम को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक ग्रुप डी का कर्मचारी जिसने पर्सनल पीसी से वेबसाइट खोली और वहीं से सर्टिफिकेट जारी किया जिसमें गालियां लिखी गई। एक चुनाव के संबंध में कोई कंप्लेंट एसडीएम दफ्तर की तरफ से मिली थी, जिस पर हमने साइबर थाने में हमें मुकदमा दर्ज किया था, और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो हमारे सामने तथ्य सामने आए थे इन्वेस्टिगेशन में, उसमें हमने 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है और हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और आज हम गम कोर्ट में पेश करने के लिए जा रहे हैं, और आगे जो पूछताछ में जो सामने बात आएगी इन्वेस्टिगेशन आगे की। शिवांग नाम का और प्रवीण नाम के 2 लड़के राधा स्वामी कॉलोनी के जो कैथल के रहने वाले हैं, उन दोनों लड़कों को हमने गिरफ्तार किया। ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही हम आज इनको गिरफ्तार करके पेश करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में तथ्य जो सामने आएंगे उसमें बता दिया। उन्होंने बाहर से ही किया है, बाहर बैठ के ही किया है, नहीं एसडीएम ऑफिस के कोई आदमी इसमें शामिल नहीं है।